नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 2 है, चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास। तो आज आप सब बाल विकास में जो सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अर्थात आपका जो खंड आ है उससे जो प्रश्न है आज उन्हें हम लोग कम्प्लीट करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैंने खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाया हुआ है और अपने शब्दों में समझाया भी है। आप जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग आपकी सीरीज से खंड आ समाप्त करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि कहा गया है, रट लो आपके सीरीज के प्रश्न हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपके सीरीज के ही प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो मैंने आप सबके लिए वो बनाया था क्या मॉडल पेपर खुद स्वयं से बाल विकास का, तो उस मॉडल पेपर को आप सब अवश्य देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। और आई होप उससे आपके पेपर में कई प्रश्न फंसने वाले हैं। तो देखते आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज कह रहा है कि जन्म के प्रथम वर्ष में लंबाई में होने वाले परिवर्तन बताइए। तो ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर में मैंने दिया है, तो ज़रूर याद रखना। तो जो शिशु होते हैं, शिशु के जन्म के समय उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है और 4 माह में 23 से 24 इंच हो जाती है, और वहीं देखा जाए 8 माह में 26 से 28 इंच तथा 1 वर्ष में लंबाई 28 से 30 इंच हो जाती है। उसके बाद सेकंड है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के कोई 5 मुख्य संवेग बताइए। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें 5 मुख्य संवेग होते हैं। एक तो हमारा भय होता है, दूसरा क्रोध, हर्ष और रोना, और खिलौनों के प्रति अकर्मण्यता। ये 5 संवेग होते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों, संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। तो बताइए, जो संवेगात्मक परिपक्वता होती है उसे आप क्या समझते हैं। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कई प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके सीरीज से ही हैं। जो संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझते हैं, तो बताइए, जो संवेगात्मक परिपक्वता अपने संवेगों को समाज के द्वारा स्वीकार्य बनाने के लिए किए जाने वाले नियंत्रण की क्षमता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, शैशवावस्था के किन्हीं 5 विकासात्मक कार्य लिखिए। ये मैंने प्रश्न आप सबको दिया है आपके मॉडल पेपर में, तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो क्या है हमारा, चलना सीखना। शैशवावस्था में सबसे पहले बच्चा चलना सीखता है और भोजन में ठोस पदार्थ ग्रहण करना भी सीखता है, क्योंकि पहले तो बच्चा दूध ही पीता है शैशवावस्था में, फिर शैशवावस्था में ही वो ठोस पदार्थों को भी ग्रहण करना सीख जाता है। और भाषा भी सीखता है, मल मूत्र पर नियंत्रण भी सीखता है, अर्थात जो बच्चा होता है वो बताने लगता है कि मूत्र मल मूत्र त्याग करने के लिए, तो ये सब नियंत्रण सीख जाता है। और शारीरिक क्रियात्मक स्थायित्व प्राप्त करना, ये भी शैशवावस्था के मुख्य विकासात्मक कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा, जीन्स और क्रोमोसोम को परिभाषित कीजिए। तो जीन्स होते हैं बेटा, वो न्यूक्लियस में स्थित क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसी में पाए जाते हैं। जीन्स छोटे कणों के समान होते हैं, जैसे रंग, रूप, लंबाई, मोटाई तथा अन्य भौतिक और मानवीय गुणों का निर्धारण इन्हीं जीन्स के द्वारा ही होता है। और इन्हीं जीन्स से क्या होता है, जेनेटिक वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। ये जीन्स जो होते हैं वो वंशानुक्रम के वाहक भी कहलाते हैं। माता पिता से प्राप्त जीन्स में जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होते हैं उससे संबंधित गुण ही बालक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम यह है गुणसूत्र सभी वनस्पतियों प्राणियों में कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होता है वो गुणसूत्र और वनस्पति
कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचालित करते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 के जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े जोड़ लीजिए तो 46 टोटल हो जाएंगे, जिसमें क्या होता है 22 होते हैं, 22 जोड़े मेन होते हैं, जबकि हमारे एक जोड़े काय जोड़े होते हैं जिससे हमारा जायगोट सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है परिपक्वता और सीखना से हम क्या समझते हैं। तो जो परिपक्वता होता है उसके बारे में गैसलिन ने अपनी परिभाषा में कहा, अर्थ को स्पष्ट करते हुए, कि परिपक्वता शरीर के आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की पौढ़ता और दृढ़ता जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। जॉर्जेल ने कहा कि अनुभव और परिश्रम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने की अवस्था को सीखना कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा डिम्ब ग्रंथि के कार्य होते हैं। तो जो डिम्ब ग्रंथि होती है उसकी क्या कार्य है, ये मैंने प्रश्न आप सबको दिया है मॉडल पेपर में। डिम्ब ग्रंथि का प्रमुख कार्य अंडे बनाना, उत्तेजित द्रव्य और हार्मोन्स बनाना होता है। डिम्ब ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो जो बालक होता है, बालक का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्त्री व पुरुष के शुक्राणु व अंडाणु के 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। परंतु पुरुष में शुक्राणु में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक तो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, दूसरा हमारा है वाई लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होते हैं, देख लेते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं चैनल पर। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्त्री होती है, स्त्री अंडाणु एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि स्त्री अंडाणु और क्रोमोसोम, स्त्री प्लस पुरुष संतान के लिए एक्स प्लस एक्स एक्स जब होता है तो लड़कियां होती हैं, जबकि एक्स और वाई होता है तो लड़के होते हैं। तो बच्चों लड़कियों में जैसे महिला में फीमेल में पाया जाता है यक्स एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल में पाया जाता है यक्स वाई क्रोमोसोम। तो अगर मेल के द्वारा वाई क्रोमोसोम और फीमेल के द्वारा यक्स क्रोमोसोम होता है तो लड़का होता है, और यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो क्या होता है, लड़की होती है। नेक्स्ट हमारा संवेग के प्रकार होता है। तो संवेग के प्रकार मैंने अभी इससे पहले बताया, तो संवेग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में जरूर आएगा। विभिन्न प्रकार के होते हैं, पहला है क्रोध, भय, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, जिज्ञासा, स्नेह, आनंद आदि, ये सभी संवेग हैं। नेक्स्ट हमारा विकास की अवस्थाएँ। विकास की अवस्थाएँ जो हार्लांग जी थे इन्होंने दो अवस्थाओं में बांटा। सबसे पहला था जन्म से पूर्व की अवस्था और नेक्स्ट था जन्म के बाद की अवस्था, और इन्हीं जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्थाओं को जोड़कर 11 हुए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था, पाँचवा उत्तर बाल्यावस्था, छठा है बाह्य संधि, सातवां है पूर्व किशोरावस्था, आठवां है उत्तर किशोरावस्था, और 9 नंबर है हमारा पौढ़ावस्था, 10 नंबर है मध्यावस्था और 11 नंबर है वृद्धावस्था। वातावरण का प्रभाव, नेक्स्ट प्रश्न है वातावरण का प्रभाव। तो बालक के विकास में, जैसा कि आपके होम साइंस में है, तो बालक के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि एक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक गलत संगत में हो तो वह उस संगत में पढ़कर अपराधिक भी बन सकता है और अपराधिक प्रवृत्तियों का भी बालक बनेगा। इसी प्रकार यदि एक सामान्य बुद्धि के बालक को उचित वातावरण प्रदान किया जाए, उसे अच्छी संगत में रखा जाए, तो बालक क्या बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा और जीवन में वह अवश्य कुछ अच्छा ही करेगा।
जी हाँ बच्चों, वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर का एक बच्चे के विकास के ऊपर, क्योंकि बच्चे का विकास उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही बच्चा ढलता जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाटसन द्वारा बताए गए श्वासोच्छ्वास के तीन संवेग कौन कौन से हैं। तो जो वाटसन थे इन्होंने तीन संवेग बताए थे श्वासोच्छ्वास में, एक तो क्रोध था, दूसरा भय, तीसरा प्रेम। ये तीन वाटसन के अनुसार थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बालक में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये मैंने अभी इससे पहले बताया तो आप सब समझ गए होंगे, ये भी मैंने बताया। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किशोरावस्था की पांच विशेषताएं बताइए। मैंने शुरू में ही किशोरावस्था के पांच विकासात्मक कार्य के बारे में बताया, अब ये विशेषताएं हैं, तो विकासात्मक कार्य भी जान लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। और अभी आप अगर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर बहुत नज़दीक है, आप बहुत आसानी से पेपर में लिख सकेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ लिखना होता है, आपको बहुत सारा लिखना रहता है, तो इसलिए आप सब प्रैक्टिस करते रहें लिखने की। तो किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था होती है। नेक्स्ट है सेकेंड हमारा किशोरावस्था समस्या बहुल्य की अवस्था होती है, यह कामुकता के जागृत की अवस्था होती है। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है और किशोरावस्था एक परिवर्तनीय अवस्था होती है। हार्लॉक के अनुसार बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, तो इन्होंने कहा जन्म से पूर्व की अवस्था अर्थात गर्भावस्था, और जन्म के 14 दिन तक की अवस्था अर्थात प्रारंभिक शैशवावस्था, और 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 13 वर्ष की अवस्था वयस्कसंधि, 13 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की होती है। उसके बाद है हमारा 21 से 40 वर्ष प्रौढ़ावस्था, 40 से 60 वर्ष वृद्धावस्था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना, विभिन्न प्रकार के भाषा दोष कौन कौन से होते हैं। भाषा दोष के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप सब देख सकते हैं आप अपने चैनल पे। विभिन्न प्रकार के भाषा दोष होते हैं, जैसे दुतलाना हुआ, हकलाना हुआ, अस्पष्टता उच्चारण हुआ, अशुद्ध उच्चारण हुआ, ध्वनि परिवर्तन, ये सब क्या हैं, ये सब भाषा के दोष होते हैं जो बालक में पाए जाते हैं। बाल विकास में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आई होप आप सब समझ गए होंगे, आज आप सबका कंप्लीट हुआ सीरीज के द्वारा जो खंड आ है, आप सबका खंड आ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग खंड बा देखेंगे, फिर उसके बाद पेपर, जैसे 26 तारीख से पेपर है तो उससे पहले हम जरूर फर्स्ट पेपर का रिवीजन 2 दिन पहले से ही करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।